शेख शादी की पुस्तक गुलिस्ता पहला अध्याय चौधरी कहानी। चो दारंद गंज अज सिपाही धरेग दरेग आय दस दस्त बुर्दन व तेग। यानी जो लोग सिपाहियों की धन द्वारा रक्षा नहीं करते, सिपाही भी तलवार द्वारा उनकी रक्षा नहीं करते। एक बादशाह अपने राज्य की रक्षा की ओर बिल्कुल ध्यान न देता था, यहाँ तक कि सेना सामंत को वेतन आदि भी न देता था। सेना के सिपाहियों को इस प्रकार के व्यवहार से इतना कष्ट हुआ कि जब एक शक्तिशाली शत्रु ने बादशाह पर आक्रमण किया तो सिपाहियों ने उसका सामना करने से इनकार कर दिया। सैनिकों की तनु का रोक रखने से वे लोग तलवार को हाथ लगाना नहीं चाहते। नौकरी छोड़कर बैठ जाने वाले सिपाहियों में से एक मेरा बड़ा मित्र था। मैंने उसे धिक्कार कर कहा, एक सामान्य बात के कारण अपने पुराने मालिक के अनेक वर्षों के अनुग्रह को बिल्कुल भूलकर विपद के समय उसका साथ छोड़ देना बहुत ही नीचता, बदनामी और कृतज्ञता का काम है। उसने उत्तर दिया, यदि आप इस बात का पूरा पूरा हाल सुनेंगे तो मुझे दोषी न कहेंगे। मेरा घोड़ा दाने बिना मरने पर आ गया था, उसके चार जामे का कपड़ा फटकर चितड़ा हो गया था। इस हालत में भी शाहजादे ने लोभ के मारे सिपाहियों का वेतन रोक रखा था, फिर भला वे लोग उसके लिए अपनी जान देने को किस प्रकार तैयार हो सकते थे। वीर योद्धाओं को धन देकर संतुष्ट रखना चाहिए कि जिससे काम पड़ने पर वे लोग अपना सिर दे सकें, क्योंकि यदि वे आपके पास से वेतन न पाएंगे तो धन पाने की आशा में किसी दूसरे के पास चले जाएंगे। योद्धाओं का पेट भरा रहने से वे बड़े वीरता के साथ युद्ध करते हैं, परंतु यदि भूखे रहते हैं तो उन्हें मजबूरन रण से पीठ दिखाकर भागना पड़ता है। शिक्षा, राजा बादशाहों को अपने सैनिकों तथा नौकरों का वेतन बिना होला हुज्जत के समय पर दे देना चाहिए। सभी बड़े आदमियों को जिनके यहाँ नौकर रहते हों फौरन उनकी तनख्वाह दे देनी चाहिए। नौकर लोग जिससे वहां पर तनख्वाह पाते हैं उसके काम में कोताही नहीं करते और समय पर अपने स्वामी के लिए अपना सिर दे देने में भी आनाकानी नहीं करते। कहानी समाप्त।